नारा चोपड़ा आयशा की सब चीजें समझ चुकी है, इसीलिए तो आयशा के पास नहीं गई। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आयशा जो है ऐसी सब चीजें नोटिस करके आई है, सब चीजें जान के आई है कि किसको क्या चीज पसंद है। जैसे कि खानजादी जिस तरीके से हरकतें करती थी वैसे ही जो है करती है अभिषेक के साथ, अभिषेक को अपने हाथ में लेती है। मुनावर मुनावर के साथ अलग वे में, शायरों शायरी में जो है फ्लर्टिंग करती है। और अंकिता को रहा, अंकिता को फेस मतलब कि स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको स्किन केयर करती है। मनारा को इतना मेकअप नहीं आता तो उसको मेकअप करने लग गई कल। पर इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि मनारा को पता चल गया है कि आयशा खान यहाँ पर सब चीज़ें फेक कर रही है और ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करके आई है, सब चीज़ें जान के आई है और यहाँ पर उन सब चीज़ों को वैसे ही चला रही है, गेम खेल रही है। अब जब मनारा एक्चुअली में रेडी हुई तब रिंकू जी ने बोला कि स्मोकी आइज करनी थी, ये सब चीज़ें नहीं करना था, ब्लैक से करना था। तो वो बोलती कि मुझे नहीं आता, तो बोलते कि ठीक है तू ब्रश लेके आ और वो काजल लेके आ, उससे मैं करती हूँ। तो वो लेके आती है। अगर एक्चुअली में आयशा के साथ बहुत अच्छी होती तो आयशा की कल जो है बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी कि वाह यार तुम्हारा मेकअप कितना अच्छा है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं जब बाहर जाऊँगी तो तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें लेने जाऊँगी। हाँ कोई बात नहीं, ले चलेंगे कोई बात नहीं, इस तरीके से जो है आयशा बात कर रही थी। अगर आज मनारा को ये सच्चाई नहीं पता चलती आयशा की तो मनारा डेफिनेटली उसके पास जाती कि हाँ ठीक है रिंकू जी स्मोकी आइस तो वो बनाती है बहुत अच्छी, मैं उसके पास जाके करवा के आती हूँ आयशा के पास। पर आयशा का सच आ चुका है मनारा के सामने, तो भाई मनारा हो चुकी है टोटली दूर, वो भी आयशा खान से। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।